नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो अपकमिंग बोनस शेयर है जो कंपनी आगे चल करके बोनस देने वाली है, जिसमें अभी आप देखिएगा तो उसके प्राइस में काफ़ी तेज़ी देखने मिल रहा है, मतलब प्राइस में एक तरह से कहीं आग लगा हुआ है। तो वैसे ही कंपनियों के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यह मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर यह सारा लिस्ट दिया हुआ जो इस साल बोनस शेयर कंपनी दी है, और आगे आने वाले जो भी बोनस शेयर है इसमें मात्र दो ही बचा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं वाइट ऑर्गेनिक्स, इसके प्राइस में काफ़ी जब से बोनस अनाउंस हुआ है काफ़ी इसके प्राइस में तेज़ी देखने मिला था, मतलब एक छोटा सा शेयर है, माइक्रो कैप शेयर है, तो काफ़ी इसमें अपर सर्किट लोअर सर्किट देखने मिला है। फिर जॉन जुआ ओवरसीज ये भी कंपनी बोनस देने जा रही है, एक्स बोनस डेट है 30 जुलाई और इसका है 28 जुलाई। दिखा देते हैं यह शेयर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट ऑर्गेनिक एग्रो लिमिटेड, इसके प्राइस में काफ़ी तेज़ी उतार चढ़ाव देखने मिला है। देख सकते हैं ये अपर सर्किट लगातार ऊपर गया फिर नीचे आया, तो जब से ये बोनस अनाउंस हुआ है काफ़ी इसमें उतार चढ़ाव देखने मिला है। यहाँ से देखिएगा तो ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर को रिटर्न दे चुका था 145%, और वहाँ से फिर ये काफ़ी नीचे आ चुका है। तो इस तरह का मतलब इसमें मोमेंटम देखने मिला है। वही दूसरा जो है जॉन जुआ ओवरसीज, इसमें भी काफ़ी तेज़ी देखने मिला है, लेकिन ये स्टॉक्स अब कुछ दिन से आपको दिखेगा ही नहीं, मतलब आप चार्ट इसका लगाएंगे जीरोधा में चाहे कहीं पर जल्दी ये स्टॉक्स आपको मिलेगा ही नहीं खोजने पर, तो क्योंकि ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसका इन्फॉर्मेशन बहुत कम उपलब्ध है, तो इसलिए आपको ये स्टॉक्स नहीं मिलता है। तो हमारी सलाह होगी आप इन सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें, और हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि जब बोनस अनाउंस होता है तब इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। बहुत सारे लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं, गलत कमेंट करते हैं कि ऐसे स्टॉक्स क्यों बताते हैं, ये हम सीखने के लिए आपको बता रहे हैं कि आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको बताना चाहते हैं कि जब बोनस आता है तब उसमें इन्वेस्ट नहीं किया जाता, बल्कि आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना होता। अगर कंपनी आपको अच्छी लगती है तो आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, धीरे धीरे कंपनी ग्रो करेगी, वो कंपनी आपको बोनस देगी। तो जो कंपनी आपको अच्छी लगती है वो कंपनी जब बोनस देगी तो वो आपको फ़ायदा देगा, ना कि बोनस आया तो उसके लिए आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि प्राइस तो उसी रेशियो में कम हो जाएगा, आपको बोनस शेयर मिलने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आप कंपनी पसंद करें, कंपनी कौन सी अच्छी लगती है और उस कंपनी के शेयर में आप इन्वेस्ट करें। तो आपको कंपनी खोजना है, कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगती है उसके शेयर में इन्वेस्ट करना है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि आपको बोनस शेयर के बारे में सीख सकें कि जैसे ये बोनस आएगा तो उसी रेशियो में कम हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे छोटे मोटे शेयर में इन्वेस्ट ना करें। जो लोग ऐसे बोनस शेयर खोज खोज के इन्वेस्ट करते हैं उन्हें जागरूक करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है, ताकि आप ऐसे ऐसे शेयर में ना फंसें, छोटे मोटे शेयर में जिसका इन्फॉर्मेशन भी उपलब्ध नहीं है। आप इस स्टॉक को ऐड करना चाहेंगे तो जल्दी स्टॉक भी नहीं मिलेगा। जब बोनस आता है तो सारे रिटेल इन्वेस्टर छोटे छोटे स्टॉक में अपना सारा मनी सब लगा देते हैं, तो वैसे में आप फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, फिर आप अपना रुपया खो बैठेंगे, फिर स्टॉक मार्केट छोड़कर चले जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट जहां पर आपको काफ़ी सतर्क रहना पड़ता है, तो सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। आप वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो।